Hello student, my name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about step in human resources planning. अब human resources planning क्या है? Human resources planning के लिए basically क्या है? Current और future में, मैं at present और future में हमें जितने employees की needs है उसे fill करना, ठीक है? Simple है, उसके बारे में planning करना. ओके कि हम उस एम्प्लॉयज को भाई ट्रांसफर के थ्रू न्यू रिक्रूटमेंट्स के थ्रू या कुछ एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करके कैसे फिल कर सकते हैं. ओके बेसिकली हम बात करें तो एचआरपी का मतलब क्या है. एचआरपी बेसिकली क्या है? प्रोसेस टू सी नीड ऑफ करंट एंड फ्यूचर एचआर for organization to fulfill its objectives. Okay? Simple language में हम HR की बात करें तो HRP क्या है कि हमें at present कितने employees चाहिए plus हमें future में कितने employees चाहिए एक organization के objective को achieve करने के लिए. Means एक organization का जो goal है वो goal ultimately कौन achieve करेगा? वो हमारे employees ही तो achieve करेंगे. और हमें उस गोल को अचीव करने के लिए एचआर की कितनी जरूरत है, एट प्रेजेंट हमें कितनी जरूरत है प्लस हमारे फ्यूचर में आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए हमें एचआर की कितनी जरूरत है. क्योंकि फ्यूचर के लिए भी तो हमें अभी प्लानिंग करनी पड़ेगी ना. सडन एकदम से थोड़ी ना करेंगे, जैसे हमारे पास फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए तो एकदम से थोड़ी ना हम अरेंज करेंगे. प्लानिंग तो हमें पहले ही करनी पड़ेगी ना. तो बेसिकली एचआर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें एट प्रेजेंट कितने एम्प्लॉयज चाहिए प्लस फ्यूचर में हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए उसके बारे में प्लानिंग करना. ओके समझ में आया? एक तरह का प्रोसेस है, हमें एट प्रेजेंट कितने एम्प्लॉयज चाहिए प्लस हमें फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज चाहिए उसके बारे में प्लानिंग करना. ओके तो अब इसमें स्टेप कितने तरह के स्टेप इन्वॉल्व है. ओके अब फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. ओके स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. सेकंड टू सी करंट या प्रेजेंट इन्वेंट्री ऑफ एचआर. ओके देन फोरकास्ट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एचआर. ओके देन मेजर गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. ओके देन फॉर्मुलेट फाइनल एक्शन प्लान. लास्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनल एक्शन प्लान. ओके ये सारे क्या है हमारे एचआरपी के स्टेप है. पहला क्या है? स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में स्टडी करना. फिर सी करंट इन्वेंट्री ऑफ एचआर, एट प्रेजेंट हमारे पास कितने ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क कर रहे हैं. देन फोरकास्ट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एचआर, फ्यूचर में हमें एचआर की कितनी जरूरत पड़ सकती है और फ्यूचर में एचआर की हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में फोरकास्ट करना. फिर गैप को मेजरमेंट करना. फिर उसी बेस पे फाइनल एक्शन प्लान बनाना. फिर उस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना. ओके अब मैं वन बाय वन हर एक स्टेप को आपको बताती हूँ. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. ओके अब सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की स्टडी करनी है. ओके स्टडी अबाउट OR objective in field of production, marketing and finance.
फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव इन सेल्स. ओके, अब हम अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रखते हैं. प्रोडक्शन की फील्ड में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रखेंगे, मार्केटिंग की फील्ड में. जैसे प्रोडक्शन की फील्ड में हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमें इतनी यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाना है. मार्केटिंग की फील्ड में हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमें इतने यूनिट की सेल्स को बढ़ाना है. फाइनेंस की फील्ड में हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमें इतनी कॉस्ट को कम करना है. तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होंगे. बिना ऑब्जेक्टिव के बारे में स्टडी करे आप एचआर को फोरकास्ट नहीं कर सकते, एचआर की नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ओके, तो सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव को फोरकास्ट करना है, अपने उद्देश्य को देखना है. ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन की फील्ड में क्या है, मार्केटिंग की फील्ड में क्या है, फाइनेंस की फील्ड में क्या है. जैसे आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स की फील्ड में क्या है, आपको मान लो सेल्स को इंक्रीज करना है. जो सेल्स है आपको लास्ट ईयर से अब तक अपनी सेल्स को 20% इंक्रीज करना है. तो 20% सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आपको और मैन पावर भी चाहिए होगी, डिफरेंट स्ट्रेटजी चाहिए होगी, डिफरेंट पॉलिसी चाहिए होगी. ठीक है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बींग भी चाहिए होंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव को फोरकास्ट करना है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. ओके, ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन फील्ड में क्या है, मार्केटिंग फील्ड में क्या है, फाइनेंस फील्ड में क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को फोरकास्ट करोगे. ठीक है, एक बार आपने अपना ऑब्जेक्टिव देख लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, सी करंट और प्रेजेंट इन्वेंटरी ऑफ एचआर. ठीक है, अब उसके बाद आप देखोगे एट प्रेजेंट आपके पास कितने एम्प्लॉइज हैं. ठीक है, काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, देयर कैपेसिटी, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल. ओके, आपको क्या करना है, प्रेजेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉइज काउंट कर रहे हैं. आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, एट प्रेजेंट कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, प्लस उनकी कैपेसिटी क्या है, जो एट प्रेजेंट एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, उनका पोटेंशियल क्या है. ओके, तो सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, आप सब क्या देखोगे, आपके पास एट प्रेजेंट कितने एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, प्लस उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और उसमें पोटेंशियल कितना है. ओके, फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, फोरकास्ट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एचआर. ठीक है, अब डिमांड क्या होती है, एचआर रिक्वायर्ड इन डिफरेंट पोजीशन. ठीक है, और सप्लाई क्या होती है, अवेलेबल ऑफ एचआर फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस. ओके, आप क्या करोगे, एचआर की डिमांड और सप्लाई को फोरकास्ट करोगे. डिमांड क्या है कि हमें काम करने के लिए डिफरेंट पोजीशन में कितने एम्प्लॉइज चाहिए. सप्लाई क्या है, हमें कितने एम्प्लॉइज अवेलेबल है, इंटरनल सोर्सेज के थ्रू और एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू. इंटरनल सोर्सेज क्या, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफर के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू. आपको आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉइज आपको मिल सकते हैं, आप किसी एम्प्लॉयज की ट्रांसफर कर दो किसी और जगह पे, या किसी एम्प्लॉयज को प्रमोट कर दो, तो वो क्या होगा, इंटरनल सोर्सेज ऑफ सप्लाई. और एक्सटर्नल मींस जो आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करोगे, प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू करोगे. ठीक है, तो सप्लाई में आप क्या देखोगे, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू कितने एचआर कितने ह्यूमन बींग आपको अवेलेबल हो सकते हैं. और डिमांड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन को फिल करने के लिए आपको एचआर की कितनी जरूरत है. डिमांड बेसिकली क्या, आपको एचआर की कितनी जरूरत है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में. और सप्लाई क्या है, आपको एचआर एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज के थ्रू मिल कितने रहे हैं. ओके, उसके बाद क्या है, मेजर द गैप. हम डिमांड और सप्लाई में गैप देखेंगे. अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो हमारे पास जो इम्प्लॉइज है वो डेफिसिट है. ओके, अगर डिमांड कम है लेकिन सप्लाई हमारे पास ज्यादा है तो इसका मतलब हमारे पास इंप्लॉइज क्या है, सरप्लस में. ओके,
तो डेफिसिट मींस हमारे पास इम्प्लॉयज की कमी है, हमारे पास जो अवेलेबल इम्प्लॉयज है वो कम है, लेकिन हमारे यहाँ पे काम करने के लिए ज्यादा चाहिए। डेफिसिट का मतलब है काम करने के लिए ज्यादा चाहिए लेकिन हमारे पास है बहुत कम। सरप्लस का मतलब है कि हमारे पास काम करने के लिए कम चाहिए लेकिन ऑलरेडी हमारे पास ज्यादा है। तो इस गैप को मेजरमेंट करेंगे किसमें, फोर स्टेप में। हम डिमांड और सप्लाई को एनालाइज करेंगे कि हमारे पास एम्प्लॉयज जो डेफिसिट में है या फिर सरप्लस में है। ओके, उसके बाद इसी बेस पर हम फाइनल एक्शन प्लान को फॉर्मुलेट करेंगे। फाइनल एक्शन प्लान में हम ये देखेंगे कि डेफिसिट में है या जो सरप्लस में है उनको बैलेंस में कैसे लाना है। मींस डिमांड सप्लाई से ज्यादा है या सप्लाई डिमांड से ज्यादा है तो उन दोनों को बराबर कैसे किया जाए। डिमांड को मीन जितने इंप्लॉयज हमें चाहिए उतने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अवेलेबल कराया जाए वो प्लान बनाएंगे। वो हम देखेंगे कि ट्रांसफर के थ्रू कराना है या न्यू रिक्रूटमेंट करना है या कुछ लोगों को प्रमोट करना है, प्रमोशन देनी है, या कुछ लोगों को टर्मिनेट करना है, क्या करना है। ठीक है, इसी बेस पे हम क्या करेंगे, एक फाइनल एक्शन प्लान को फॉर्मुलेट करेंगे कि क्या हमें कितने लोगों को हमें ट्रांसफर करना है, कितनी हमें न्यू रिक्रूटमेंट करनी है, कितने लोगों को हमने प्रमोट करना है, कितने लोगों को हमने टर्मिनेट करना है। इसी बेस पे हम क्या बनाएंगे, फाइनल एक्शन प्लान। अब उस एक्शन प्लान को क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें उसे मॉनिटर करना पड़ेगा, प्रॉपर कंट्रोल करना पड़ेगा और प्रॉपर फीडबैक देखनी पड़ेगी कि जो हमने प्लान बनाया वो सही है। हमें स्ट्रिक्टली उस प्लान को मॉनिटर करना पड़ेगा कि जो हमने प्लान बनाया है ठीक है उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कहीं भी डेफिशिएंसी है, कहीं भी वो हमने जो प्लान बनाया वो वर्क नहीं कर रहा, फिर हम फर्दर उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने जो प्लान बनाया बस उसको इम्प्लीमेंट कर दो, हमने उसको मॉनिटर भी करना है टाइम टू टाइम, क्या जो हमने प्लान बनाया वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, या उसमें कुछ कमियां हैं तो है, कौन सी कमियां फिर उनको रिमूव करना है। ओके, तो बेसिकली ये हमारे स्टेप है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर करंटली हमारे पास कितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, फिर हम फोरकास्ट करेंगे डिमांड एंड सप्लाई की। डिमांड मींस हमें कितनी पोजीशन की रिक्वायरमेंट है और सप्लाई कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू। फिर उस गैप को मेजरमेंट करेंगे, वो गैप अगर डिमांड ज्यादा है तो डेफिसिट में है, ठीक है, अगर क्या कहते हैं ये सप्लाई ज्यादा है तो सरप्लस में है। फिर उसी बेस पे हम फाइनल प्लान फॉर्मुलेट करेंगे कि हमें ट्रांसफर करना है लोगों को या नए रिक्रूटमेंट करने हैं, प्रमोट करने हैं, टर्मिनेट करने हैं। फिर फाइनली हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा, प्रॉपर कंट्रोलिंग करने में प्रॉपर फीडबैक लेनी पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट लोगों से कि वो प्लान सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अब हमें लगता है कि कोई डेफिशिएंसी है तो फिर हम उसे फर्दर उस प्लान को इम्प्रूव करेंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके,